ये उन दिनों की बात है जब मैं भी जॉब करता था। सीधा मुद्दे की बात करता हूं। मेरे पास एक कस्टमर आए जिसे उस वक्त चलने में तकलीफ हो रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन ये मेरा परसेप्शन था। इतने में वो मेरे नजदीक आए, इतना नजदीक जितना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस वक्त कल्पना करता था। एक तरफा प्यार हर लौंडों का अधिकार है, उसे आप छीन नहीं सकते। उसे इतने करीब देख मेरी नजर ऑफिस की उस लड़की पे पड़ी। पहली बार तब पता चला कि वो भी अपनी नजर मुझ पर रखती थी। खैर, अभी जिसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी उसकी उम्र मेरी मां से 2-4 साल ही कम होगी। तो ऐसा कुछ था नहीं कि तुम्हारी बेवफा भाभी को जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ता। ये घटना था जिसे अभी कुछ देर मेरे साथ और घटना था। वो कस्टमर मुझसे पूछती है कि हाय, मे आई यूज योर रेस्ट रूम? मैंने बोला पार्डन। ये भी तब नया नया वर्ड सीखा था, पार्डन। उससे पहले तो मैं बिहार और बंगाल में था, वहां सॉरी भी तब तक 7.5% लोग ही समझते थे, और बोलते तो 1% भी नहीं होंगे। मतलब हमारे वहां ना गलती करने वाला माफी नहीं मांगता, माफी मांगता है। तो सॉरी हमारे लिए ना सिंगापुरिया भाषा है। Then she asked me the same question in a high pitched tone. Where is the restroom? I said, sorry man, we don't have. इस बात पर वो लेडी जो एक्सप्रेशन दी ना, मां कसम वो तो देखने लायक था। मतलब मैं अपनी हंसी सिर्फ इसलिए रोक पाया क्योंकि मैंने जब नजर घुमाया तो मुझे बॉस नजर आया, और बॉस के सामने कौन हंसता है भाई। इतने में वो मुझे फिर से कहती है कि अरे ये तो हर जगह होता है ना। मैंने कहा हाँ मैम, लंदन अमेरिका में होता होगा, यहां नहीं होता। वो फिर धीरे से पूछी कि तो फिर आप लोग अपना काम कैसे चलाते हो? मैंने कहा घर से मैम, मतलब जो अपना रेंटेड 1 BHK का फ्लैट होता है उसमें होता ही क्या है, एक हॉल, एक किचन और एक रेस्ट रूम। और रेस्ट रूम अपना बेस्ट रूम होता है ना। मुझे ऐसा लगा कि अब वो गिर जाएगी। मैंने एक चेयर निकाल कर दिया और कहा कि आप बैठ जाइए। वो चेयर देखकर ऐसे भागी कि वो चेयर ना चिता हो। मैं तो मदद करना चाहता था पर वो कुछ अलग ही रहा था, जो मुझे उस वक्त तक पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा मैडम एक जुगाड़ है। एक छोटी सी स्माइल के साथ वो जोर से सांस ली और कहती है तो फिर चलो ना, अब बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा बस मैम दीवार के पीछे ही है। बोली चलो 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 चलते हैं। अब ये जो टाइम होता है ना बहुत खतरनाक होता है, एकदम समंदर के हाई टाइड की तरह। मतलब अंदर से ना छलकना शुरू हो जाता है और आप अपने कंट्रोल रूम को ना अंदर ही अंदर उल्टी गिनती सुना रहे होते हो, 10, 9, 8, 7, 6, बस रुक जाए यार, 5, 4 आ गया 3, 2 बस यार बस, एक बस। ऐसा ही कुछ उस टाइम वो मैडम कर रही थी। मैं अभी भी इस बात से अनजान था। मैं उन्हें अपने मीटिंग रूम लेकर गया और कहा कि मैडम यहां रेस्ट कीजिए आप, और कुछ लगे तो बुला लीजिए। वो ऐसे टर्न ली मेरी तरफ,
मानो कि मेरा खून पी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो वो अपना पसीना चाटने के लिए औकात में नहीं थी। फिर वो मुझसे कहती है कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट टॉयलेट, यू आर सो डम, टॉयलेट है? मैंने कहा हाँ हाँ है रमे, एक नहीं दो है, हाँ? जल्दी लेकर चलो। तब मुझे पहली बार रेस्टरूम का मतलब समझ में आया। वहां से जितना सेकेंड उसे टॉयलेट जाने में लगा, उतने देर में वो चिल्लाकर आधा पेशाब तो पसीने में निकाल दी होगी। थैंक यू सो मच।